अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आ चुकी हूँ घर और यहाँ लग चुका है मेरा और आनिया का नाश्ता। और आनिया ये रही। आनिया सलाम करो बेटा। मम्मी घर जा रही हूँ। आज आप अपनी कौन सी वीडियो पोस्ट करोगी बेबी? नाच के लूंगी। नीरज को बोलो कैसे हो। वो मैं नाश्ता कर रही हूँ। व्यूअर्स मैं आ चुकी हूँ अपने घर और मेरा कोई काम नहीं हुआ तो अब करूँगी व्यूअर्स में काम। तो अम्मी ने जो है वो केक बनाया था, क्रिसमस केक, तो वो भी मैं आप लोग के साथ कल रेसिपी जो है वो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। अम्मी की जो है वो मैंने वीडियो शूट कर ली थी लेट नाइट, अम्मी ने बनाया था, तो मैं इंशाल्लाह कल आप लोग के साथ अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मेरा घर का काम हो चुका है, मैं जाऊँगी किचन में। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन की कर लूँगी मैं डीप क्लीनिंग। तो व्यूअर्स यहाँ मेरी किचन की सफाई के बाद मैं आ जाऊँगी कुकिंग पे। और आज मैं बना रही हूँ ग्रीन चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स आप लोग प्लीज़ मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देके सपोर्ट देके आगे बढ़ाइएगा व्यूअर्स। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आगे। तो व्यूअर्स मेरा किचन जो है वो फाइनल हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं फ्राइज़। 4:30 हो रहे हैं टाइम, तो बच्चों को और ज़्यादा लेट हो चुका है व्यूअर्स, तो बच्चों को मैंने फ्राइज़ दे दिए हैं। और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, तो मसालों की सारी डीप क्लीनिंग कर दी है और मसाले सारे मैंने मंगवा लिए थे, तो वो सारे मैं इन डिब्बों में रख दूँगी एयरटाइट करके। इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च और हरा मसाला और सब है इसमें व्यूअर्स, और चाइनीज़ नमक वगैरह। तो ये सारे मैंने जो है आज डीप क्लीन किए हैं, सारे डब्बे मैंने जो है वो सब धोए वॉश किए हैं। और इसी में सारे मसाले भी मैं डाल लूँगी क्योंकि सारे मसाले ख़त्म हो रखे थे व्यूअर्स। इसके बाद जो है मैं करती हूँ सालन की तैयारी। बच्चे तो ट्यूशन जा चुके हैं, ऑयल की भी जो है वो मैंने धो ली है बोतल के। तो व्यूअर्स यहाँ जो है वो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, साफ़ करके उसे मैं रख दूँगी। और उसके बाद में जो सब्ज़ी मंगवाई थी उसे भी मैं साफ कर लूँगी। हाँ तो आइए व्यूअर्स, यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, मैं कर रही हूँ सालन की तैयारी। तो सालन जो है वो अभी जो है बस यहाँ पर मैंने हरा धनिया
और हरा पुदीना मंगवा लिया है, तो इसे जो है बहुत ज़्यादा दे दिया है उसने, तो मैं इसकी आधी चटनी बना लूँगी और आधा मैं सालन में ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन मेरी जो घर में रखी थी मैंने आज सामान नहीं मंगवाया, कल इंशाल्लाह सारा सामान मंगवाऊँगी, तो आज जो है डेढ़ पाव ये थोड़ी सी चिकन है, तो उसका मैं सालन बना लूँगी, सिर्फ हम दो जने ही खाएँगे क्योंकि मेरे बच्चे सालन नहीं खाते, और आज कल जो है मैं आप लोगों के साथ चिकन नगेट्स की भी रेसिपी शेयर करूंगी, बच्चों के लिए बना दूंगी, तो बच्चे जो है ट्यूशन जाते हैं तो मैं इनको फ्राई करके दे देती हूँ व्यूअर्स। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं सालन की तैयारी कर रही हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर। तो व्यूअर्स यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, और प्याज को भी जो है मैं ज़्यादा ब्राउन या रेड नहीं करूँगी, हल्की सी जो है वो उसमें कच्चापन होता है उसे बस गोल्ड करूँगी, हल्का सा फ्राई और उसे ग्राइंड कर लूँगी, और यहाँ जो है इसमें थोड़ा सा नमक जो हमेशा ही मैं ऐड करती हूँ वो ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ जो है हरा धनिया और पुदीना जो है इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ, जो वॉश करके और साफ़ करके मैंने रख लिया है, तो यहाँ इसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि चिकन ग्रीन कड़ा ये, तो इसमें आप लोगों को तो थोड़ी सी व्यूअर्स मैंने इसमें नंडी भी ऐड की हुई है, हरे धनिए की और पुदीने की भी, तो इससे जो है ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है और थिकनेस रहती है। तो व्यूअर्स यहाँ जब तक प्याज मेरी फ्राई हो रही है तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, तो ये मेरा ग्राइंड हो चुका है मसाला, तो व्यूअर्स इसके बाद मैं प्याज भी ग्राइंड कर लूँगी और आगे प्रोसीजर जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए व्यूअर्स, प्याज भी मेरी लगभग हो चुकी है, बस मैं अभी इसे भी ग्राइंड कर लूँगी, और हरा मसाला भी मैंने जो है इसी में ही हरे मसाले वाली जो प्याली है उसी में ही मैं ये हरा धनिया और पुदीना जो मैंने ग्राइंड किया है उसे भी मैं इसी में ही निकाल लूँगी, और जो ग्राइंडर मशीन है उसकी प्याली वॉश करके इसी में प्याज भी मैं ग्राइंड कर लूँगी, तो क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, अभी बच्चे जो है वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं उसके बाद कुछ काम होते हैं ऐसे जो मैं कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ जो है बच्चे ट्यूशन यहाँ भी हो रहे हैं 6:30, तो अभी बच्चे जो है 7 बजे तक आ जाएंगे, तो तब तक मैं फटाफट सालन जो है रेडी कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए मैं प्याज भी ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि प्याज ग्राइंड कच्ची भी हम ऐड कर सकते हैं, तो मुझे इस तरह पसंद है। व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ होममेड मसाले की भी शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो यहाँ मेरी प्याज भी जो है वो ग्राइंड हो चुकी है, तो आइए व्यूअर्स हमारी जो है बिल्कुल सारा जो है तैयारी वो हो चुकी है। तो यहाँ मेरा ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो ऑयल में ज़्यादा ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन को हम ज़्यादा फ्राई करेंगे, क्रिस्पी फ्राई करने के बाद ही मैं इसमें मसाले सारे ऐड करूँगी, तो इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये जो है मेरी चिकन अच्छी तरीके से भुन जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, तो मैं इसी में ऐड कर दूंगी हरा धनिया, हरा पुदीना जो मैंने ग्राइंड किया, और हरा मसाला जिसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, तो व्यूअर्स वो मैं इसे ऐड करके उससे फ्राई कर उसके साथ थोड़ा सा मैं इसे भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी
प्याज जो कि मैंने ग्राइंड की थी, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने पैकेट ली है। तो ये अब इसमें मैं कर दूंगी हरा मसाला जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा है, और इसे मैं अच्छी तरीके से इसके साथ भून लूंगी। तो व्यूअर्स इसे मैं अच्छी तरीके से भून लेंगे, और फिर इसमें ऐड कर दूंगी मैं प्याज जो मैंने प्याज भी ग्राइंड कर ली है भून कर। तो इसे भून कर इसी में पैकेट ऐड कर दूंगी चिकन हरा की। तो और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करूँगी, और थोड़ा नमक ज़्यादा ऐड करूँगी ताकि टेस्ट अच्छा आए और ये मसाला बिल्कुल भी तीखा। तो इस स्टेज पर ही मैं इसमें दही और एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा सा तीखा पसंद है। तो आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना। तो मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है, और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा कम तीखा खाते हैं, पर मैं तीखा ही बनाती हूँ तो उनको दही दे देती हूँ तो वो दही से खा लेते हैं व्यूअर्स। तो इसी स्टेज पर मैं यहाँ दही ऐड कर दूँगी, इसे मैं अच्छी तरीके से फैन लेती हूँ और आधी ही ऐड करूँगी क्योंकि सालन जो है चिकन मेरी कम है। तो व्यूअर्स इसे मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, और एंड में जो है मैं इसमें ऐड करूँगी वो है नींबू का रस। तो आइए व्यूअर्स, यहाँ जो है मैं आनिया को देखने के लिए आई, तो आनिया बैठे बैठे ही सो गई है, और यहाँ खेलने के लिए आनिया सारे जो है मेरे डिवाइडर के सारे बर्तन निकालती है, तो मैं इसे नहीं रोने देती, दे देती हूँ। तो आइए व्यूअर्स करते हैं डिश आउट। तो ये आधा धनिया और आधा धनिया पुदीना है, तो उसकी कल मैं चटनी बनाऊँगी, तो आप लोग साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आइए व्यूअर्स खूबसूरत से डिश में इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत मज़े का सालन बना था व्यूअर्स। तो थोड़े मैं राइस बना लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो राइस ही खाते हैं रात को। चावल बच्चों के लिए बना लूँगी, और कल इनके लिए मैं बना लूँगी चिकन नगेट्स, इंशाल्लाह आप लोग साथ रेसिपी शेयर करूँगी व्यूअर्स। तो यहाँ जो है मैं आप लोगों को फ़ाइनल डिश आउट करके दिखाऊँगी, इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ। तो व्यूअर्स ये है मेरा फ़ाइनल लुक, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट। तो व्यूअर्स ये है मेरा फ़ाइनल लुक, तो माशाल्लाह बहुत मज़े का सालन बना था। तो आप लोग देखकर ही बताना मुझे कमेंट में कि कैसा लगा, आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी।